वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम सिक्योरिटी एक्ट 2015 में क्रिमिनल लाइबिलिटी एंड कंपनसेशन फॉर डिफेक्टिव मिसलीडिंग प्रॉस्पेक्टस से रिलेटेड जो दो सेक्शंस हैं इनको डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिस्कस करते हैं क्रिमिनल लाइबिलिटी फॉर डिफेक्टिव प्रॉस्पेक्टस। तो लॉ क्लियरली कहता है कि अ पर्सन कमिट्स एन ऑफेंस, यानी ये क्राइम होगा अगर एक शख्स दो में से कोई भी एक काम करे। पहला कि ही मेक्स अ मिसलीडिंग इनकरेक्ट अनट्रू और डिसेप्टिव स्टेटमेंट इन द प्रॉस्पेक्टस और ओमिट्स इंफॉर्मेशन और अ स्टेटमेंट फ्रॉम अ प्रॉस्पेक्टस दैट इज रिक्वायर्ड टू बी इंक्लूडेड इन द प्रॉस्पेक्टस। तो दो में से एक काम भी होगा तो वो क्रिमिनल ऑफेंस होगा, उसकी क्रिमिनल लाइबिलिटी होगी। पहला ये कि अगर वो कोई ऐसी स्टेटमेंट शामिल करता है जो गलत है, यानी मिसलीडिंग इनकरेक्ट अनट्रू और डिसेप्टिव। डिसेप्टिव जिसमें धोखा है, अनट्रू जो सच नहीं है, झूठ है, इनकरेक्ट जो कि गलत है, मिसलीडिंग जो कि शायद वर्डिंग वाइज ठीक हो लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट में शामिल की गई है उसमें जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं उनको साथ धोखा हो सकता है या उनको गलत जो है साइट पर गाइड कर सकता है, तो वो मिसलीडिंग होगा। तो गलत इंफॉर्मेशन शामिल करना भी डिफेक्टिव प्रॉस्पेक्टस है, और वो इंफॉर्मेशन जो शामिल होनी चाहिए थी उसको ओमिट कर देना, उसको मिस कर देना, वो भी डिफेक्टिव प्रॉस्पेक्टस है। तो गलत इंफॉर्मेशन शामिल करना और सही इंफॉर्मेशन शामिल ना करना दोनों ही डिफेक्टिव प्रॉस्पेक्टस कंसीडर होंगे, और जो भी पर्सन इस चीज में इन्वॉल्व होगा वो उसकी क्रिमिनल लाइबिलिटी होगी, वो एक ऑफेंस कमिट कर रहा होगा। फिर है कंपनसेशन फॉर फॉल्स और मिसलीडिंग प्रॉस्पेक्टस। जो क्रिमिनल लाइबिलिटी होती है उसकी सूरत में तो जो उस पर्सन को फाइन वगैरह लगेगा वो तो जमा हो जाएगा गवर्नमेंट के पास, वो किसी और को नहीं मिलेगा। लेकिन एक फॉल्स या मिसलीडिंग प्रॉस्पेक्टस की वजह से पोटेंशियल इन्वेस्टर्स जो है ना वो इन्वेस्ट कर लेते हैं और उनको फिर अपने पैसे पे नुकसान हो जाता है, तो उस नुकसान को कौन कंपनसेट करेगा, उसके लिए भी लॉ ने एक रूल बनाया कि लायबल कौन हो सकता है कंपनसेशन के लिए। तो वो है कि ऑफरर, यानी जो शख्स सेल के लिए जो शेयर्स हैं ऑफर कर रहा है, इशुअर यानी कंपनी, उस कंपनी के डायरेक्टर, और एनी पर्सन हु साइंड द प्रॉस्पेक्टस। क्योंकि हम पढ़ते हैं कि जी साइन किसने करने होते हैं प्रॉस्पेक्टस पे, डायरेक्टर ने भी और प्रपोज डायरेक्टर्स ने भी। और ये लायबल किस मकसद के लिए होंगे, ये लायबल होंगे कि हर उस पर्सन को कंपनसेशन दें यानी डैमेजेस दें हु एक्वायर्स एनी सिक्योरिटीज इन रिलायंस अपॉन द प्रॉस्पेक्टस। जिसने प्रॉस्पेक्टस पे रिलाय करते हुए सिक्योरिटीज एक्वायर की, उसे नुकसान हुआ, उस नुकसान को पूरा कौन करेगा, ऑफरर, कंपनी, कंपनी के डायरेक्टर, प्रपोज डायरेक्टर वगैरह। और ये कब लायबिलिटी होगी, जब लायबिलिटी तब होगी जब उस अदर पर्सन को लॉस हुआ हो ड्यू टू मिसस्टेटमेंट इन और ओमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्रॉस्पेक्टस। कि या तो प्रॉस्पेक्टस में कुछ गलत बात मेंशन थी, मिसस्टेटमेंट थी, या जो सही इंफॉर्मेशन शामिल होनी चाहिए थी वो ओमिट हुई हुई थी, तो वो इंफॉर्मेशन ना मिलने की वजह से उसका डिसीजन गलत हो गया, तो उस सूरत में वो कंपनसेशन क्लेम कर सकेगा। तो ये बात जो कंपनसेशन है इसमें तीन बातें क्लियर होनी चाहिए कि किस किस की लायबिलिटी हो सकती है। लायबिलिटी ऑब्वियसली कंपनसेशन के लिए होती है, और कब लायबिलिटी होती है, जब प्रॉस्पेक्टस में कोई गलती होगी, कोई मिसस्टेटमेंट होगी या ओमिशन होगी तब लायबिलिटी होगी, अदरवाइज लायबिलिटी नहीं होगी। तो ये सिंपल से कॉन्सेप्ट है। एक किस्म का आप ये समझ सकते हैं कि एक क्रिमिनल लायबिलिटी है और जो कंपनसेशन है ये सिविल लायबिलिटी है, यानी ये एक पर्सन को कंपनसेट करने की बात हो रही है। तो दोनों एंगल्स जो हैं वो यहाँ पर कवर होते हैं, यानी प्रॉस्पेक्टस वाला मामला ऐसा है जो क्रिमिनल लॉ के साथ भी कनेक्ट करता है और सिविल लॉ के साथ भी कनेक्ट करता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।